पृष्ठ संख्या 49 अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था कि तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार दी। हेलमुट की यादों में वो क्षण अभी भी जिंदा है जब अपने पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर ना दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाथसी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाथसियों और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद यह पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाथसीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाथसीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस चीज से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गियोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाथसी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। पृष्ठ संख्या 50। नाथसी शब्द जर्मन भाषा के एक शब्द नाथसी योनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाथसी योनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाथसी कहा जाता था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाथसियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाथसियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर
इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? पृष्ठ संख्या 51। वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थीं कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के परित्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइकस्टॉक के लिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। पृष्ठ संख्या 52। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद यानी वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वारसाय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। 1.1 युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर साम्राज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी
पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुले आम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंडकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंडकों में बड़ी दयनीय स्थिति जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गईं। बल्कि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। नए शब्द हर्जाना यानी किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना, खंडक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। 1.2 जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पॉर्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। पृष्ठ संख्या 53। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पॉर्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। पृष्ठ संख्या 54। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,00,000
60,000 मार्क हो गई। इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रा स्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, तो उस स्थिति को अति मुद्रा स्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉफ्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। नए शब्द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार। 1.3 मंदी के साल। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। पृष्ठ संख्या 55। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खास तौर से वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशन धारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप्प हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे और किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी
आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिनों से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास भी खत्म होने लगा, क्योंकि उनके लिए सरकार कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पृष्ठ संख्या 56। दो, हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, कॉरपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी को बाद में नाथसी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाथसी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाथसीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले सुन चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाथसी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाथसी पार्टी को जर्मन संसद राइकस्टॉक के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। नए शब्द प्रोपेगेंडा यानी जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से। पृष्ठ संख्या 57। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था।
हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाथसियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। पृष्ठ संख्या 58। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाथसियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। 2.1 लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाथसी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए एक अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाथसियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाथसी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का शिकार बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाथसी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाथसियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाथसी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। पृष्ठ संख्या 59। गेस्टापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस वालों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। नए शब्द कंसंट्रेशन कैंप
यानी ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। 2.2 पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्वालमार शाख्त को सौंपी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फैक्स वैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेंटलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नजर में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। पृष्ठ संख्या 60। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। शाख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाक्सी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाख्त को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाथसी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाकों चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसकी पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाथसी जुल्मों की कहानी है। पृष्ठ संख्या 61। 3 नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण।
नए शब्द नॉर्डिक जर्मन आर्य यानी आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड यानी नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले। नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण। नाथसियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाथसी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड यानी नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नाथसी सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे। उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाथसियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेंस्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। 3.1 नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाथसियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नाथसी समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। पृष्ठ संख्या 62। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाथसी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नजर में केवल ऐसे ही लोग वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाथसी अशुद्ध या असामान्य मानते थे।
यूथनेजिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नासी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाजियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटों यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। वह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। श्रोत ख: पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात को नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हो। हिटलर मेन कॉम्फ, पृष्ठ 644। नए शब्द जिप्सी। जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। सूदखोर यानी बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्रायः गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। घेटो यानी किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। पृष्ठ संख्या 63। 3.2 नस्ली कल्पनालोक यानी यूटोपिया। युद्ध के साय में नाजी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जन संहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए।
अब पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर जाँच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुँचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। पृष्ठ संख्या 64। मौत का सिलसिला। पहला चरण, बहिष्कार 1933 से 1939। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। एक, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दो, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। तीन, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। चार, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय। एक, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार। दो, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना। तीन, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक नरसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर सिनेगॉग जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। दूसरा चरण, दड़बाबंदी। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोड्ज और वार्सा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। पृष्ठ संख्या 65। तीसरा चरण, सर्वनाश 1941 के बाद। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को माल गाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑशविट्स, सोबीबोर, ट्रेवलिंका, चेमलो और मैदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक। पृष्ठ संख्या 66। चार, नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाजीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में
सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और, गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को यंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नए शब्द यंग फोक यानी 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन। पृष्ठ संख्या 67। श्रोत ग, 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। W. शाइरर, द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक से उद्धृत। श्रोत घ, जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
4.1 मातृत्व की नाथसी सोच। नाथसी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। पृष्ठ संख्या 68। यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाथसी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाथसी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिख पोत कर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। श्रोत च। न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने कहा था, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नजर में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग हैं। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। 4.2 प्रचार की कला। नाथसी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न सिर्फ भ्रामक लेकिन दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाथसियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन यानी खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। श्रोत छ। न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे।
इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। पृष्ठ संख्या 69। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाथसी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाथसी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथ भ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। दी एटर्नल ज्यू यानी अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था, उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काप्तान यानी चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाथसीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाथसीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाथसियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाथसी ही हल कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 70। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू। 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान। 28 जून 1919 वर्साय की संधि। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत रूस में घुसती हैं। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में। पृष्ठ संख्या 71। 5 आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाथसीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाथसी शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाथसी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी नीम्योलर ने नाथसियों का लगातार विरोध किया।
उन्होंने पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गोस्तापों की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं आता था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए, तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। बॉक्स एक, क्या नाथसियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नाथसीज अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एर्ना क्रांस से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी हैं। एना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी, यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। पृष्ठ संख्या 72। नाथसी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शॉलर्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शॉल्टे ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाथसियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाथसी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। 5.1, महाध्वंस यानी होलोकास्ट के बारे में जानकारियां। नाथसी तौर तरीकों की जानकारी नाथसी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाथसी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाथसी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह
खेतों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत, जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाथसियों की पराजय तय ही है, तो नाथसी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं, जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं, जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। पृष्ठ संख्या 73, बॉक्स 2। गांधी जी ने हिटलर को लिखा। हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा, मध्य प्रांत, भारत, 23 जुलाई 1939। मेरे प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता के खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना घृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए, और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, या फिर वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है, और उसने उसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूं आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। संपूर्ण गांधी वांग्मय, खंड 70, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा, 24 दिसंबर 1940। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की चीज है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है, और उस विनाश शास्त्र की तो है ही नहीं जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा, और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वो कृत्य कितनी ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों ना किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। संपूर्ण गांधी वांग्मय, खंड 73, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। क्रियाकलाप 1. एक पन्ने में जर्मनी का इतिहास लिखें। क. नाथसी जर्मनी के एक स्कूली बच्चे की नज़र से। ख. यातना गृह से जिंदा बचकर निकले एक यहूदी की नज़र से। ग. नाथसी शासन के राजनीतिक विरोधी की नज़र से।
2. कल्पना कीजिए कि आप हेलमुट हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे? इस बारे में एक पैराग्राफ लिखें। पृष्ठ संख्या 74। प्रश्न 1. वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थीं? 2. इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? 3. नाथसी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे? 4. नाथसियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? 5. नाथसी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाथसी शासन में औरतों की भूमिका के बीच में क्या फर्क था? एक पैराग्राफ में बताएं। 6. नाथसियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए?